स्वागत है आपका जेके खबर 9 में। मनोज जी, आप हमें बताएंगे कि आपको जो आज महाराजा हरि सिंह का बर्थडे है, तो आज के दिन छुट्टी भी नहीं रही है। जिस तरीके से आपने पिछले साल भी कई मुद्दे जो हैं महाराजा हरि सिंह के बर्थडे पे उठाए थे, तो इस बार आप क्या कहना चाहते हो? जो छुट्टी, जो सरकार द्वारा छुट्टी नहीं दी गई है, इस पर क्या कहना चाहोगे? किस तरीके से सरकार पर रोष जताओगे? धन्यवाद। मैं आपको पहले बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूंगा कि हमारे बिलावर में पहले कोई खबर जो उठानी होती थी नहीं उठाई जाती, क्योंकि यहाँ पे मीडिया कम होता था। आज जिस तरीके से युवाओं द्वारा, पैंथर्स पार्टी द्वारा जो जिले का मुद्दा उठाया गया है, तो इस पर क्या कहना चाहोगे? जो डिस्ट्रिक्ट बनाने के लिए बिलावर, तो क्या कहना चाहोगे इस पर? उस तरफ से बसोली से भी लोगों का कहना है कि बसोली को डिस्ट्रिक्ट बनाया जाए, तो आप क्या, आपको क्या मतलब ठीक लगता है कि किसको जो है जिला बनाना चाहिए, जिले का दर्जा दिया जाना चाहिए? जहाँ तक पहाड़ी जिले का सवाल है, मैं जब से पार्टी में हूँ 2007 से, मैं तब से पैंथर पार्टी इस मुद्दे को लेकर चल रही है। और पहाड़ी जिला हमारा एक बिल्कुल जेन्युइन डिमांड है। हम कई बार कह चुके हैं, सबसे पहली तहसील जो है वो अगर जसरोटा में थी तो सबसे पहला जिला पडुमो हुआ करता था जी, जिसको पहले उन्होंने जसरोटा में शिफ्ट कर दिया, उसके बाद ये लेके उसको कठुआ में। और सबसे पहले पैंथर पार्टी ने ही यह बिलावर से डिमांड उठाई थी, उसके बाद बसोली वाले आगे, बनी वाले आगे, एक पोलिटिकल ट्रेंड में लोगों ने एक दूसरे को बोल के कर दिया। पर हमें सुनने में आया कि इलेक्शन कमीशन ने साफ कह दिया है कि जो जिला है अभी हम भीम डिस्ट्रिक्ट के बाद इस जिले पे आएंगे। भाई अगर किसी को एक गांव में पानी के हैंडपंप की जरूरत है तो क्या हैंडपंप की स्कीम आएगी तो तब हम डिमांड करेंगे? हमें पानी चाहिए, आपका काम है हैंडपंप लाना। हमें जिले की डिमांड है और जिला लेकर रहेंगे। और हम और पंचायत भाई कमेटियां बनाने शुरू कर रहे हैं, हम पैंथर पार्टी आने वाले समय में इस मुद्दे को और आगे लेकर जाएंगे। और सबसे पहले मैं अपने बिलावर वासियों को, पैंथर पार्टी की तरफ से, मनोज की तरफ से और पूरे जम्मू कश्मीर वासियों को महाराजा के बर्थडे की शुभकामनाएं देता हूं। लेकिन एक बात का बड़ा अफसोस होता है कि ये जो स्टेट है, ये महाराजा गुलाब सिंह ने 75 लाख की खरीदी थी जी। कब खरीदी थी? जब 1759 में औरंगजेब टाइम हिंदू मुसलमानों का कत्लेआम हो रहा था, तब महाराज ने चित्तौड़गढ़ से आके ये स्टेट खरीदी थी जी। और जब अंग्रेजों ने हिंदुस्तान पे कब्जा किया, 100 साल हिंदुस्तान गुलाम रहा, लेकिन जम्मू कश्मीर कभी गुलाम नहीं रहा, क्योंकि एक आजाद स्टेट थी जी। लेकिन आज बड़े अफसोस की बात है, स्टेट में भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही जी। गवर्नर उनके आते हैं, हर साल चले जाते हैं, लेकिन जो हमारी डिमांड थी पैंथर्स पार्टी की तरफ से, और जो शुरू से ली है, जब से हमारी पैंथर पार्टी 1983 से बनी है, 23 सितंबर को हर साल पैंथर पार्टी बड़ी धूमधाम से, जैसे दीपावली मनाते हम महाराज जी का बर्थडे मनाते हैं। लेकिन हमें बड़े अफसोस होता है कि जम्मू के लोगों ने 28 सीटें भारतीय जनता पार्टी को दी, लेकिन एक महाराजा के बर्थडे पे छुट्टी सेंक्शन नहीं करा सके जी। सर, आप बताएंगे कि जिस तरह जो युवा है, बीजेपी सरकार द्वारा युवाओं को नौकरी देने के लिए वादे किए गए थे, तो आप इस पर क्या आशंका जताना चाहते हो? अभी तक जो है, जैसे कि अभी तक कुछ सालों के लिए जो जॉब्स हैं वो उनके लिए भी प्रतिबंध लगा दिया गया है, तो आगे युवाओं का क्या होगा, इस पर क्या कहना चाहोगे? सर, ये देखिए ना, आप खुद ही सोचते हैं, सब सुनिए, इन्हें जो पार्टी के प्रेजेंट हैं, अभी ये कुछ 15 दिन पहले उन्होंने बोला था अब डोमिसाइल आ गया है तो आपको 50,000 नौकरियां मिलेंगी। उससे पहले कहते आपको 1 लाख नौकरियां आ रही हैं, फिर कह रहे थे कि अभी हम 10,000 दे रहे हैं। सर, आपको बताना चाहता हूँ आपके मीडिया के माध्यम थ्रू कि अभी एक 4th क्लास की पोस्ट निकली थी, जिसकी लास्ट डेट शायद अभी 30 सितंबर को है या शायद निकल गई है, 6,10,435 फॉर्म भरा गया है, 350 रूपए की फीस है, करोड़ों के हिसाब से इन्होंने लोगों की फीस इकट्ठी कर ली है, और 8,595 उसकी पोस्टें हैं। क्या मैं पूछना चाहता हूँ आज तक इतना कभी फॉर्म भरा गया? ये खाली खाली जम्मू कश्मीर में साजिश रची गई जम्मू के डोगरों की हिस्ट्री को खत्म करने के लिए, ताकि जम्मू का डोगरा, पहले हमारा स्टेट से खत्म किया गया, अब बाहर के जो लोग हैं उनको यहाँ पे लाके 4th क्लास का फॉर्म भराया गया, ताकि हम अपनी हिस्ट्री, अपना संविधान, अपना जो महाराजा का जो यहाँ पे कानून चलता था, सारा खत्म कर दिया। और रही नौकरी की बात, जैसे आप बता रहे हैं कि इन्होंने प्रतिबंध लगा दिया है, इन्होंने जम्मू कश्मीर क्या पूरे हिंदुस्तान में इतनी बेरोजगारी पैदा कर दी है कि आने वाले समय में जो नौजवान है वो परेशान हो गया है कि वो क्या करे। अब ये तो सरकार ही बता सकती है कि उन्होंने आगे इनके बारे में क्या सोच रहे। सर, आप बिलावर की बात करें, बिलावर में किस तरीके से अभी तक
भाजपा द्वारा जो है काम किए गए हैं उन पर आप किस तरीके से जो उनको कामों को मतलब जैसे कि बहुत सारी सड़कें खराब पड़ी हैं, हर तीसरे दिन प्रोटेस्ट जो है लोगों द्वारा किया जाता है, तो इस पर क्या कहना चाहोगे? मतलब सड़कों की इतनी बुरी हालत है, हर तीसरे दिन जो है मतलब हम भी मीडिया के माध्यम से भी खबरें उठाते रहते हैं किसी सड़क के बारे में, कोई PWD के माध्यम से सड़क बनी है, तो इस पर क्या कहना चाहोगे? अभी तक जो सड़कों के काम है सारे रुके हुए हैं। देखिए, जहां तक जिला कठुआ की बात है या उप जिला बिलावर की बात है, आप कह रहे हैं भाजपा की सरकार रही कहां, मैं तो हर इंटरव्यू में बोला बताता रहता हूँ कि 3 साल तो इनकी सरकार रही है, 3 साल में इन्होंने 8 बार तो गवर्नर रूल लगा दिया है, अब तो 2 साल से गवर्नर रूल चल रहा है, भाजपा की सरकार तो है नहीं है। और बिजली पानी सड़क तो हमारा एक जन्म से अधिकार है, ह्यूमन राइट्स है हमारा। लेकिन रही सड़क की बात, अब देखिए दालाचक वाला रोड कह रहे हैं जी प्लान बन गया, आ रहे हैं पैसे जा रहे हैं, आप सुकराला वाला रोड देख लीजिए, कटली वाला रोड देख लीजिए, और यहाँ पर तो आजकल इतनी डिक्टेटरशिप हो गई है, जो भी सड़कों पर आता है उस पर FIR लगा दो, क्यों? लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना है, क्यों? COVID-19 चल रहा है, क्यों? 188 लगानी है, क्यों? यहाँ पे इतना गुंडाराज हो गया है, इतना डिक्टेटरशिप हो गई है, इतनी ब्यूरोक्रेसी हो गई है कि आम इंसान अपने हक और इंसाफ की बात, और बिजली पानी सड़क हमारा हक है, उठा नहीं सकता। लेकिन पैंथर पार्टी कभी भी किसी से डरी नहीं है जी। हमारे 3 विधायक रहे, अब हार गए, अब भी आज लोगों की सड़कों का मसला हो, नो बेरोजगारी का मसला हो, नर्सों का मसला हो, किसी चीज का मसला हो, पैंथर पार्टी उठाना बछाना रोज हर मुद्दे पे कोर्ट में भी लड़ रही है, कोर्ट में भी लड़ रही है, डिपकॉम की ऑफिस पर लड़ रही है। और रही बिलावर की बात, ये मैं सरकार को कहना चाहता हूँ, तो जो बिजली पानी सड़क हमारा अधिकार है, चाहे किसी का एक घर जंगल में है, सरकार का काम है उसको तक सड़क पहुंचाना, चाहे एक घर है किसी का कहीं उसको पानी पहुंचाने का काम है, बिजली पहुंचाने का काम है। लेकिन बिलावर में पहली बार ऐसा हो रहा है कि जो बोलता है उस पर ये FIR लगाते हैं ताकि हम अपनी आवाज न उठा सके। लेकिन ये बिलावर की जनता बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेगी। अगर हमने 43,837 वोट आपको दिया है, आपको जताया है, हम आपको हराना भी जानते हैं, और अगली जो बारी लोगों ने तैयारी कर ली है, आपको इस सभी मसलों का जवाब हम अगले इलेक्शन में आपको देंगे। ये हम आपके माध्यम से भारतीय जनता पार्टी सरकार को कहना चाहते हैं जी। सर आप बताएंगे, जिस तरीके से पानी का मुद्दा है, पानी के मुद्दे को लेकर भी जो लोग हैं बहुत काफी परेशान हैं, सड़कों को लेकर, तो क्या कहना चाहोगे इस पर कि अभी भाजपा को किस तरीके से कैसे काम करना चाहिए कि आगे? बात तो यहाँ से सवाल जवाब करना किससे है जी? अगर आप जय से पूछो, आप एक्शन साहब से पूछो, एक्शन साहब से पूछो तो आप डी साहब से पूछो, उनसे पूछो तो सेंटर में फाइल है, ऊपर पूछो तो पैसा नहीं है। यह एक पानी की बात नहीं है, हर डिपार्टमेंट में यही हाल जी। किससे पूछे, कौन पूछे? हम कहना चाहते हैं आपके माध्यम थ्रू, इसी का एक ही हल है कि जल्द से जल्द आप इलेक्शन करवा दीजिए, हमारे नुमाइंदे आए असेंबली में जाए, डिस्ट्रिक्ट वाइज ऐसा सेक्शन हम काम करें, यही इसका एक मात्रा है जी। धन्यवाद।